बाबू का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। मोहब्बत जात धर्म ऊंच नीच, कहते हैं मोहब्बत जात धर्म ऊंच नीच लिंग नहीं देखती, लेकिन अब मोहब्बत ने इंसान भी देखना बंद कर दिया है। जी हाँ, विचित्रों से भरी इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। जहाँ एक और समान लिंग से प्यार करना अब आम हो गया है, वही दूसरी ओर जापान के एक लड़के को कॉकरोच से प्यार हो गया, और प्यार भी इतना कि उसे पाने की हद पार कर दी। उड़ गए ना होश। और आपको क्या लगता है कि आपकी प्रेम कहानी सबसे अलग है? आपने जापान के कुछ किस्से सुने होंगे जहां लोग अपने रोबोट से प्यार और शादी कर रहे हैं। बात अब और आगे बढ़ गई है। जापान में 25 वर्षीय यूटा शिनोहारा की प्रेम कहानी चर्चा में है। यूटा के अनुसार वो एक साल तक अफ्रीका के एक लीसा नाम की कॉकरोच को डेट कर रहे थे। यूटा शिनोहारा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें प्रकृति और कीड़ों से प्यार है। लीसा को वो अपना पहला प्यार मानते हैं। यूटा कहते हैं कि उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में लीसा के साथ यौन संबंध करने का भी सोचा है। ये तो था इस अनोखी प्रेम कहानी का खूबसूरत पहलू, लेकिन प्यार में पागल यूटा ने जो किया वो बहुत भयानक है। लीसा की मौत हो जाती है और उसके बाद यूटा ने जो किया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। यूटा और लीसा मरने के बाद भी एक दूसरे से अलग न हो, इसलिए यूटा ने कॉकरोच लीसा को खा लिया ताकि लीसा उसके शरीर के अंदर मौजूद रहे। है ना ये बेहद अजीब। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें, और ऐसी चटपटी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।